हेलो एवरीवन सर, वेलकम बैक टू विजय सर एकेडमी। तो गाइज, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने OCM का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो उसके अंदर हम लोग ने ऑलरेडी मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक कर लिया था। लाइक फीचर क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो हमने कर लिया था कि एंटरप्रेन्योर में क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है, क्या उसके फीचर होते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर होती है जिससे वो अपने अपने गोल को अचीव करने में सक्षम हो जाते हैं, पॉसिबल हो जाता है उनके लिए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या क्या क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो क्वालिटीज़ में पहला, उनका सबसे पहला क्वालिटीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंडिविजुअल आर फोकस्ड ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेट हिंड्रेंस। एलिमिनेट हिंड्रेंस मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस मतलब किसी भी तरह का रुकावट, जो भी रुकावट इनकी ज़िंदगी में आती है वो उसे दूर करने में सक्षम होते हैं। उनके अंदर वो काबिलियत होती है कि किसी भी तरह के रुकावट को, किसी भी तरह हिंड्रेंस को वह एलिमिनेट कर पाए, यानी निकाल पाए। और डिस्ट्रैक्शंस, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से वो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें अपने पास आने नहीं देते जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उनके प्रोडक्टिविटी पर किसी भी तरह का असर पड़े। एन एंटरप्रेनर हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज एंड आउटलाइन द टैक्टिक्स ऑफ अकम्प्लिश देम। टैक्टिक्स क्या होता है? कोई एक स्ट्रेटजी बनाया, एक प्लान बनाया, वैसे चीज़ों को, प्लान को बनाना और उनको अकम्प्लिश करना। अकम्प्लिश करना यानी प्लान को बनाना और उसे पूरा करना, उसे एग्जीक्यूट करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना। ये सारे वर्ड्स होते हैं जो ये कॉमर्स में ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो इसके ईजी वर्ड आपको भले ही पता हो, मगर आपको पेपर में ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है ताकि आपका पेपर एक अच्छे क्वालिटी का पेपर लगे। जब सामने वाला चेक कर रहा है आपका पेपर, तो उसको जैसे वो पेपर चेक करेगा आपको उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपने पढ़ाई की है। सक्सेसफुल एंटरप्रेनर इज डिसिप्लिन इनफ टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। एक स्टेप लेना पड़ता है कि अपने गोल को अचीव करने की तरफ एक कदम उठाएगा और आगे बढ़ के गोल को अचीव कर लेगा। देख लेते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस। एक एंटरप्रेनर के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो जो भी काम करता है अपनी ज़िंदगी में, उसमें उसको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि उसके पास एक अच्छा नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो नॉलेज पूरा का पूरा यूजलेस रहेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था फर्स्ट पार्ट में कि किस तरह से रितेश अग्रवाल जी एक होटल में जाते हैं और वहाँ जाके वो एक ऐसे होटल वाले से जो बात करते हैं उनको कन्विंस करते हैं, कन्विंस करके वो होटल को लेके खुद उसे साफ करके वहाँ पे कस्टमर ला के रखते हैं। जो भी स्टोरी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था वो आपने सुनी होगी तो आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या, उनके अंदर वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस दिखाती है। उस कॉन्फिडेंस के वजह से ही वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नॉलेज ही विल मेक द बिजनेस सक्सीड एंड सोर्स देयर कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग। थर्ड है आपका ओपन माइंडेड। एक एंटरप्रेन्योर को ओपन माइंडेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एवरी इवेंट, एवरी सिचुएशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग टाइप के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं। आप कुछ भी करोगे आपको अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसी सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो आपको सारे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली बींग जनरेटेड अबाउट द वर्क फ्लो एंड इफिशियंसी। अलग अलग आइडिया जनरेट होते हैं, आइडिया बनते हैं वर्क फ्लो के हिसाब से, कैसा आपका वर्क चल रहा है। पीपल स्किल एंड पोटेंशियल न्यू बिजनेस। आपके बिजनेस में अगर पोटेंशियल है कुछ नया चालू करने का, तो उस चीज को भी आप ग्रैब करके रख सको। ही हैज टू एबिलिटी टू लुक एवरीथिंग अराउंड हिम एंड फोकसेस टूवर्ड्स हिज गोल। जो उनके आजू बाजू में चल रहा है सारी चीजों पर वो फोकस कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ स्टार्टर। खुद से खुद को स्टार्ट करने की शक्ति एक एंटरप्रेनर के अंदर होनी चाहिए, ये भी एक उनकी क्वालिटी है। एंटरप्रेनर नोज दैट इफ समथिंग नीड टू बी डन ही शुड स्टार्ट हिमसेल्फ। अगर कोई भी चीज करना है तो वो खुद से स्टार्ट करे, ऐसा वो सोच के चलेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। ही सेट्स द पैरामीटर्स एंड मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट फ्लो दैट पाथ। एक पैरामीटर बनाते हो, एक दायरा बनाते हो, उसके अंदर आपको चलना होता है ताकि आप अपने रास्ते पे जाके, उस पाथ पे जाके अपने मंजिल तक पहुंच सको। इज प्रोटेक्टिव प्रोएक्टिव नॉट वेटिंग फॉर समवन टू गिव परमिशन। वो प्रोएक्टिव रहता है, खुद से एक्टिव रहेगा, वो किसी के परमिशन के वेट नहीं करता।
फिफ्थ पॉइंट है आपका कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव क्या होता है? मेनी कंपनीज आर फॉर्मड बिकॉज द एंटरप्रेन्योर नोज दैट ही कैन डू द जॉब। कॉम्पिटेटिव, बहुत सारी कंपनी बस इसलिए बन जाती है क्योंकि कभी किसी एक बंदे ने ये जरूर सोचा होगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर रितेश अग्रवाल जी ने उस समय ये न सोचा होता कि मैं इतने बड़े होटल चेन का मालिक बन सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, तो शायद वो आज इतने बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। भारत के वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। इसी रीजन से मैंने उनका एग्जाम्पल इस पूरे के पूरे चैप्टर में लेने के लिए बोला था आपको। फर्स्ट पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक उनके एग्जाम्पल के साथ हम जाएंगे। आप एग्जाम में भी उनके एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। नोज दैट ही कैन डू द जॉब बेटर देन अदर, किसे और से अच्छा तुम काम कर सको। ही नीड टू विन द गेम ऑफ अ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर विल हाईलाइट हिज ओन कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। वो क्या कर सकता है? किसी और से कॉम्पिटिटिव बन के, कम्पीट करके, प्रतियोगिता वाली एक होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है जिससे वो लड़के लोगों से जितना आता है उसे। कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द सक्सेस। सिक्स पॉइंट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। जब तक आप कुछ नया नहीं सोचते हो तब तक आपके लिए सक्सेस नहीं है। यानी जब आप कुछ नया सोच लोगे उस दिन से आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। बींग एबल टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन द सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट और सिचुएशन। आप किसी अनरिलेटेड इवेंट से आराम से कनेक्ट हो पाओगे। एंटरप्रेन्योर ऑफ्टन कम अप विद अ सॉल्यूशन विच आर सिंथेसिस ऑफ द अदर आइटम। सिंथेसिस ऑफ अदर आइटम, एक नए नए सॉल्यूशन के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। ही विल रिपर्पोज प्रोडक्ट एंड मार्केट देम न्यू इंडस्ट्रीज। एक नए नए प्रोडक्ट को आप लेके आओगे और उसे मार्केट करोगे, यानी आप उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ले आओगे लोगों के सामने। सेवेंथ पॉइंट है डिटर्मिनेशन। उनके अंदर डिटर्मिनेशन होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब कुछ कर दिखाने की हिम्मत उसके अंदर होनी जरूरी है। एंटरप्रेन्योर इज नॉट द वर्थ बाय दिस डिफीट। मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो कभी भी अपने हार से डरता नहीं है, अपने डिफीट से डरता नहीं है। ही लुक्स एट द डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द सक्सेस। वो किसी भी हार को सक्सेस की तरह देखता है कि मैं कैसे इस चीज़ से आगे बढ़ सकूँ। ही इज डिटरमाइंड टू मेक ऑल द अदर एंडियोर सक्सेस एंड सो विल ट्राई एंड ट्राई एंड अगेन अंटिल ही डज। वो बार बार उन चीज़ों को ट्राई करता है जब तक उसे सक्सेस नहीं मिल जाता। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट बिलीव इन समथिंग कैन नॉट डन। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं कभी वो ये नहीं सोचते कि ये मुझसे नहीं होगा, वो हर एक चीज़ों को कर सकते हैं, ऐसा वो अपने अंदर क्षमता रखते हैं। एट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। मैंने ये चीज़ आपको फीचर में भी बताया था, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक कम्युनिकेशन अच्छी स्किल होनी चाहिए। यानी वो लोगों से बात करते वक्त थोड़ी भी ऐसा ना फील हो उसे कि ठीक है मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, उसके लाइक कम्युनिकेशन में एक तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक तरीके से सच्चाई होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए उसके अंदर। स्किल सेल प्रोडक्ट एंड टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने भी आना चाहिए, ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपने एम्प्लॉय लोग को प्रोत्साहित कर लो। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नो हाउ टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉय सो द बिजनेस ग्रोज वेल। एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसको ये पता हो कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से बहुत आगे लेके जा सकता है। सिचुएशन एंड कोचिंग अदर टू सक्सेस, मतलब कोचिंग करना, लाइक अपने एम्प्लॉय लोग को ऐसा सिखाना कि वो अपने एंटरप्रेन्योर के लिए, लाइक अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही अच्छा काम कर सके। नाइन्थ है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। वर्क एथिक मतलब काम अच्छे से करना, एक प्रॉपर एथिक्स फॉलो करके काम को करना। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफ्टन बी अ फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट अ ऑफिस एंड द लास्ट वन टू लीव। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है ऑफिस आज में सबसे पहला वो आए और सबसे लास्ट वो जाए। अगर देखो आप अगर टाइम पे रहोगे तभी आपके एम्प्लॉय लोग टाइम पे रहेंगे। आप अगर लेट आ रहे हो, आप अगर जल्दी चले जा रहे हो तो आपके एम्प्लॉय लोग भी कुछ उसी तरह से काम करेंगे। तो एक मैं बोलूँगा कि एक बॉस ना बन के एक लीडर बन के काम करना है, एक एंटरप्रेन्योर बन के काम करना है। बॉस हमेशा लोगों को ऑर्डर देता है, लीडर हमेशा लोगों को साथ लेके चलता है। तो उस तरह से हमें लेके आगे बढ़ना है, इस तरह से हमें लेके चलना है कंपनी को। मेक श्योर दैट आउटकम मीट एन एक्सपेक्टेशन। जो भी आपका आउटकम आ रहा है वो आपके एक्सपेक्टेशन से मिलना चाहिए, जो आपने सोच रखा है वैसा आपका आउटकम आना चाहिए। हिज माइंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन हिज वर्क वेदर ही इज इन आउट हिज आउट वर्क प्लेस। हमेशा उसका जो माइंड है वो काम पे होना चाहिए।
वो काम पे रहे या काम के बाहर रहे, हर समय उसका जो माइंड है वो हमेशा काम पे होना चाहिए। टेंथ पॉइंट है पैशन। पैशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक पैशन होना चाहिए, मतलब कुछ कर दिखाने की चाहत होनी चाहिए हमारे दिल में, उस तरह का एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। वो एक ट्रेट है, ट्रेट मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो फीचर है किसी भी एंटरप्रेन्योर का, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का फीचर वो होता है। ही जेन्युइनली लव हिज वर्क, आपको उस अपने काम से प्यार हो तभी आप अपने काम को अच्छा कर पाओगे। ही इज विलिंग टू पुट हिज एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक अ बिजनेस सक्सेस बिकॉज ही इज टू जॉय एंड हिज बिजनेस गिव्स विच गोज बियॉन्ड द मनी। एक एक्स्ट्रा आर देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा घंटा देना पड़ेगा आपके किसको, काम को, अच्छा टाइम देना पड़ेगा ताकि आप अपने ऐसा लगे कि आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग द रिसर्च एंड वेज टू मेकअप इट बेटर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा उस रिसर्च को पढ़ता है, एक रिसर्च उसके दिमाग में चलती रहती है कि ठीक है अगर मैं ऐसे रिसर्च कर लूँ, एक अच्छी तरह से कर लूँ तो मैं अपने बिजनेस को आगे जाके ग्रो कर सकता हूँ। तो ये 10 क्वालिटीज थे किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को। अगर ये 10 चीज आप जिंदगी में फॉलो करके चलते हो तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आपका जो अगला पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर 3.7 है आपका फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसमें आपका है इनोवेशन, जो पहला है इनोवेशन, आपको इनोवेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली इनोवेटर, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं बेसिकली वो एक तरह के इनोवेटर होते हैं। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक नए नए कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन को उनको करना पड़ता है। एक ही तरह का अगर पुराना बिजनेस, पुराना स्टाइल लेके चलेंगे तो वो सक्सेस उससे नहीं मिलने वाली है। आगे ही मस्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, ब्रिंग अ चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ कस्टमर। क्या करते हैं कि एक नए नए प्रोडक्ट को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया हुआ कभी कि कोडेक करके जो हमारा कैमरा था पहले, वो 90s में कोडेक करके कैमरा चलता था, लेकिन आज के डेट में उसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। रीज़न ही यही है क्योंकि वो लोग जो प्रोडक्ट के साथ आए थे उन्होंने उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखा। जब नए नए कैमरास मार्केट में आने लगे, वो लोग नए नए इनोवेटिव चीज़ लाने लगे, डिजिटल कैमरा आ गया, ये अलग अलग चीज़ें उसके अंदर आने लगी, पिक्चर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई, वो क्या क्या उन्होंने कोई किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया था। यही रीज़न है कि वो कंपनी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई मार्केट में। तो आपके अंदर इनोवेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनोवेशन मतलब कुछ हमेशा कुछ नया लाना मार्केट के अंदर। कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द न्यू प्रोडक्ट और द न्यू फीचर इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ नया लाओ ताकि कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो जाए। सेकेंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एन एंटरप्रेनर हैज टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। डिटरमाइन करो, फिक्स करो कि क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके बिजनेस के। देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। ये हो सकता है कि आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो आपने पहले सोचा था, जो आपने बाद में सोचा आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो हो सकता है। ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन। ये ऑब्जेक्टिव को आप चेंज कर सकते हो अपने मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन चेंज हो रही है, बढ़ रही है, आगे जा रही है, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट आपका थर्ड पॉइंट है। एंटरप्रेनर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज ऑफ द मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस ऑफ द एंटरप्राइज। एक अच्छा एंटरप्रेनर अलग अलग रास्ते ढूंढता है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी मार्केटिंग दे पाएगा मार्केट के अंदर। ही कैन कंडक्ट अ सर्वे एंड रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड। वो एक सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, वो हिसाब से वो चीज़ों को करेगा। फिर से एग्जाम्पल लेते रितेश अग्रवाल जी का, उन्हें पता था कि लोगों को सस्ते होटल चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, वैसे होटल उस समय के मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। तो रितेश अग्रवाल जी ने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया कि मैं सस्ता दूँ और कम समय के लिए दूँ, जितने घंटे के लिए चाहिए आपको होटल उतने घंटे के लिए मिलेंगे। तो उस तरह से उन्होंने लेके चीज़ों को आगे बढ़े क्योंकि उनको पता था कि मार्केट में क्या चाहिए लोगों को। When market are developed constantly, the demand of customer will increase. जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे कस्टमर का डिमांड भी बढ़ता चला जाएगा। फोर्थ पॉइंट है न्यू टेक्नोलॉजी। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन टू अ ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आज के डेट में हर बार एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है। वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप चलते हो
तभी जाके आप इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में, आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जहाँ पे बिजनेस कर पाना इतना आसान नहीं है, वैसी जगह पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया टेक्नोलॉजी लेके आना पड़ेगा। इसके अंदर एग्जाम्पल न्यू मशीनरी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, न्यू साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन आपको लाना पड़ेगा। वो पुराने स्टाइल वाले प्रोडक्शन से अगर प्रोड्यूस करोगे तो चीज़ें नहीं चलेंगी, आपको नए नए स्टाइल के प्रोडक्शन करने पड़ेंगे। फिफ्थ है गुड रिलेशन, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन आपका बना हुआ होना चाहिए। इट नेसेसरी टू मेंटेन अ हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी एनवायरमेंट बनना चाहिए, लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन देना चाहिए एम्प्लॉय और वर्कर के, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, जो सेट है, जो सुपीरियर है और जो सबॉर्डिनेट है उन लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना हुआ रहेगा, अच्छा एनवायरमेंट रहेगा, तभी काम अच्छे से हो पाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज अ की ऑफ सक्सेस, अगर एम्प्लॉय लोग के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ, तालमेल हुआ, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा। सिक्स पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग द फंड, फंड को ऑर्गेनाइज करने की बात करें, कहाँ से आपको पैसे मिल पाएंगे आपके बिजनेस के लिए। एंटरप्रेन्योर नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज बिकॉज एडुकेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर द बिजनेस, हमेशा आपको पैसे की जरूरत तो बिजनेस में पड़ेगी, इसके लिए कंटिन्यूस सोर्स और एडुकेट सोर्स, कंटिन्यूस पैसा आते रहे और जितना चाहिए उतना आते रहे, ये आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशन विथ इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर बिजनेस, एक अच्छा, एक ऑनेस्ट रिलेशन, एक सच्चा रिलेशन आपके इन्वेस्टर के साथ आपका होना चाहिए, जिसने आपके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तभी जाके आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट मिलता रहेगा, आपका कंपनी हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। सेवन पॉइंट है टेकिंग डिसीजंस, डिसीजन टेकिंग, डिसीजन लेना, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक अ वाइज डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फॉर प्रॉपर बिजनेस प्लान, टाइमली डिसीजन, टाइम पे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप डिसीजन लेने में लेट हो गए तब आप ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आपने टाइम पे डिसीजन लिया तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। ही ऑल्सो ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज मतलब इंपॉर्टेंस, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज, प्रोज मतलब एडवांटेज, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज लिख सकते हो, या आपको एज अ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन, क्या अच्छा है उसमें, क्या बुरा है उसमें, दोनों चीज़ों को सोच के ही आपको बिजनेस डिसीजन लेना जरूरी है, वो आपने नहीं सोचा तो आप एक अच्छा बिजनेस डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो गाइज ये आपका था सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट को यहाँ ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम थर्ड पार्ट के साथ आएंगे जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज अभी के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, लोग पॉइंट के बाद एक मीनिंग बता देंगे, वो मीनिंग आपको समझ में आएगी मगर जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो ये एक पर्टिकुलर चैनल पे आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और उसके मीनिंग मिलते हैं, ताकि आप अपने नोट्स भी बना सको, अपने टेक्स्ट बुक को समझ सको, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक ही पढ़ के अच्छे से एग्जाम देना है। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।